ये एक ऐसा कैमरा है जिसको आप जहाँ पे रखेंगे उस जगह को दुनिया के कहीं से भी देख सकते हैं। मतलब अगर आप इसको घर पे रखेंगे तो आप घर को बाहर से देख सकते हैं, अगर आपका दुकान है ऑफिस है तो अगर दुकान पे रखेंगे तो दुकान को घर से देख सकते हैं, ऑफिस में रखेंगे तो ऑफिस को घर से देख सकते हैं, और अगर घर पे रहेगा तो आप घर को ऑफिस नहीं तो दुकान से देख सकते हैं। और डिस्टेंस का कोई लिमिट नहीं है, अगर आप इसको इंडिया पे रखेंगे तो अमेरिका से देख सकते हैं, और अमेरिका पे लगाएंगे तो इंडिया से देख सकते हैं, और इंडिया के किसी भी स्टेट में लगाइए और आप किसी भी स्टेट में जाइए आप देख सकते हैं। और इसका दाम भी बहुत कम है, और इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग समझते नहीं है, लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, मैंने इससे पहले भी दो वीडियो बनाया है। लोग समझते हैं कि इससे डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है वीडियो, ऐसा सोचते हैं, लेकिन इससे कोई वीडियो ट्रांसमिट नहीं होता है और इसमें कोई भी वाईफाई नहीं है, मतलब इससे डायरेक्ट मोबाइल पे वीडियो नहीं आता है, आपको इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये वाईफाई एंटेना है, ये वाईफाई सिग्नल रिसीव करने के लिए। तो वाईफाई कहां से मिलेगा, तो आपका अगर घर पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट है तो उसका जो राउटर होगा उसका वाईफाई से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपका कोई डोंगल है इस तरह का तो उस वाईफाई डोंगल का वाईफाई को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसको इसके साथ ही छोड़ना पड़ेगा। और जो मोबाइल होगा, जैसे कि ये हो गया मोबाइल, तो मोबाइल पे आपका डाटा कनेक्शन रहना पड़ेगा, तभी आप मोबाइल को लेके बाहर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तब आप मोबाइल के थ्रू इस कैमरा का वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही आप इसको मोबाइल हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए जिस मोबाइल से ये कनेक्ट रहेगा उस मोबाइल को इसके साथ ही छोड़ना पड़ेगा, तो दूसरा मोबाइल से आप देख सकते हैं। तो आज मैं मोबाइल हॉटस्पॉट का बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ वाईफाई डोंगल का। तो आज सिखाएंगे कि वाईफाई डोंगल से इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको पावर देना पड़ेगा दोनों को, तो मैंने एक बोर्ड लिया है, उसके बाद इस वाईफाई को कनेक्ट करेंगे। ये एक यूएसबी वाईफाई डोंगल है, इसके अंदर एयरटेल का सिम है और ये कोकोनट कंपनी का है, अच्छा है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है और आप इसको खरीद भी सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, इसमें कोई बैटरी नहीं होता है तो ये डायरेक्टली अडाप्टर में लग जाता है, देखिए ऐसे लग जाता है, तो इसको आप घर पे छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप घर पे ना भी हो एक महीना दो महीना, फिर भी ये कैमरा इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो अभी कैमरा को पावर देना है, तो चलिए करते हैं ऑन। अभी आपको एक मोबाइल का भी ज़रूरत पड़ेगा सेटअप करने के लिए, और आपको एक टूथपिक का भी ज़रूरत पड़ेगा इस कैमरा को रीसेट करने के लिए। तो कैमरा को मैं रीसेट कर रहा हूँ, इसके पीछे एक छेद है, इसमें 5 सेकंड दबाना पड़ेगा तो ये रीसेट हो जाता है, एक आवाज़ आएगा, म्यूजिक आएगा, तो ये रीसेट हो गया है। अभी इससे कुछ आवाज़ें आएंगे, मतलब ये इंस्टॉलेशन के लिए रेडी होगा। तो सुनिए आवाज़ आ रहा है, मतलब ये अभी वाईफाई सिग्नल खोज रहा है। तो इसका जो वाईफाई है इसमें देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए स्मार्टफोन का ज़रूरत पड़ेगा, तो स्मार्टफोन पे भी वही वाला वाईफाई कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो मैं वो कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये वाला जो वाईफाई है उस डोंगल का है, तो कनेक्ट हो गया है। तो अभी आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा कैम हाई ऐप। तो ये देखिए ये कैम हाई ऐप है, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है, तो इसको ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे ऐड कैमरा का ऑप्शन आया है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे वायरलेस इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे क्लिक करने से आपका जो वाईफाई है उसका दिखा देगा नेम, और अभी उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ये नहीं दिखाता है क्योंकि GPS ऑन नहीं रहता है, तो आपको GPS भी ऑन करना पड़ेगा। देखिए ये लोकेशन ऑन है तभी दिखाएगा, इसको ऑन करना मत भूलिए। तो अभी पासवर्ड में डाल देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है। तो अभी पूछ रहा है कि क्या वो आवाज़ आप सुन रहे हैं, मैं बोलूँगा यस। तो अभी कुछ आवाज़ें आएंगे, अजीबोगरीब आवाज़ें आएंगे, ये सुनिए। तो अभी ये आवाज़ें इसको कनेक्ट करेंगे, तो देखिए कैमरा कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे नाम भी आ गया है। तो अभी इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो राइट सिंबल है उसमें क्लिक करेंगे, तो कैमरा यहाँ पे ऐड हो गया है और दिखा रहा है ऑनलाइन, तो देखिए ऑनलाइन बता रहा है। तो अभी इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोला है जो पासवर्ड है उसको चेंज कर लीजिएगा, कैमरा का पासवर्ड होता है, याद रखिएगा वो वाईफाई का पासवर्ड नहीं है, कैमरा का अलग से होता है, वो यहाँ पे ऐप में चेंज करना पड़ता है। तो अभी कैमरा को यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, तो देखिए ये कैमरा अभी लाइव है। तो अभी मैं पैन एंड टिल्ट भी कर सकता हूँ मोबाइल से, देखिए ऊपर हो गया, अभी नीचे हो गया, उसके बाद दाएं बाएं करेंगे,
तो अभी ये कैमरा और मोबाइल पूरा कनेक्ट है। अभी आप इस कैमरा को यहाँ पे छोड़ के इस मोबाइल को कहीं पे भी लेके जाएंगे तब आप इस कैमरा के फुटेज को देख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इसको अभी इंडिया पे छोड़ के जाएंगे और इस मोबाइल को अमेरिका लेके चले जाएंगे तो अमेरिका से भी आप इस फुटेज को देख सकते हैं इस कैमरा के थ्रू। लेकिन उसके लिए आपके मोबाइल पे ये वाला डोंगल काम नहीं करेगा, उसके लिए आपके मोबाइल पे अलग से डाटा कनेक्शन चाहिए और ये वाला सेटअप ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा अभी कैसे कनेक्ट करते हैं एक वाईफाई आईपी कैमरा को एक डोंगल से। यही सेम प्रोसेस है वाईफाई राउटर का और मोबाइल हॉटस्पॉट का भी, लेकिन जिसके साथ वो कनेक्ट है कैमरा उसको एक जगह पे छोड़ के जाना पड़ेगा और मोबाइल पे अलग से आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, काम का लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।